अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट है। अब ये लिस्ट बड़ी छोटी सी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बच्चों की लिस्ट है, तो ये आसानी से गिनने में आ जाएगा, काउंटिंग में बड़ा आसानी से आ जाएगा ये, ठीक है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर 5000 लोगों की लिस्ट हो, तो 5000 लोगों के लिए हमें एक एक करके ऐसे वाला सीरियल नंबर ना इंसर्ट कराना पड़े। पहले यहाँ 1 लिखा, फिर 2 लिखा, फिर यहाँ पर इस तरीके से किया। अब मान लीजिए किसी ने कह दिया, बॉस ने कह दिया कि यहाँ पर आगे नंबर लिखा हुआ आना चाहिए, तो फिर यहाँ पर एक एक करके फिर या तो नंबर लगाइए, और नहीं तो फिर बड़ी परेशानी हो जाती है। इस तरीके से नंबर 1 हो गया, फिर यहाँ पर नंबर 1 हो गया, तो अब फिर क्या करेंगे, तो फिर ये टेक्स्ट बन गया। आप देखिए यहाँ पे फिर ये नंबर 2, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो एक शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ। क्या वो तरीका है उसको ध्यान से समझ लीजिएगा तो काम हो जाएगा। क्या है तरीका, पहले तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इतना हिस्सा जो हमने बनाया। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला मैं लगाना सिखाता हूँ। देखिए इज इक्वल टू से कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होगा, और यहाँ पर बॉस ने कहा है कि नंबर ही आना चाहिए। क्या लिखा हुआ आना चाहिए, नंबर। तो ऐसे कैपिटल में NO लिख करके यहाँ डॉट दे दिया गया, ऐसा आना चाहिए हर सीरियल नंबर के पहले, तो ये कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे एंड लगाना है, एंड, ये एंड लगा दीजिए, ये वाला एंड लगाइएगा, AND लिख के मत लगाइएगा, ये साइन वाला एंड लगाइएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, सीक्वेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे SEQUENCE, ये सीक्वेंस का फॉर्मूला आपको पुराने वर्जन में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कि आपके पास 1000 बच्चे हैं, ठीक है, जिनका आपको सीरियल नंबर ऐसे ही लिखना है इसी वे में, तो बस एंटर कर दीजिए, 1000 तक ये क्रिएट होकर आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 1000 तक ये क्रिएट हुआ है, 100 200 तो चल ही रहा है, देखिए यहाँ पे 200 से ऊपर चला गया, यानी कुल मिला के ये 1000 तक क्रिएट हुआ है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए 1000 तक लास्ट गया है, देखिए है कि नहीं। तो ये बहुत आसान है और आसानी से आपसे हो भी जाएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको, ये जो अभी किया मैंने डबल एंट्रेड कोर्स में। अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए सीरियल नंबर, SR लिखा हुआ आना चाहिए, तो SR कर दीजिए यहाँ पे, जो लिखा हुआ आना चाहिए वही कर दीजिए यहाँ पे, ये हो गया, डबल एंट्रेड कॉमा में दे दिया हमने। अब यहाँ पे एक बार गैप देके एंड दे दीजिए, और यहाँ लगा दीजिए सीक्वेंस का फॉर्मूला, और सीक्वेंस का फॉर्मूला लगाने के बाद हम चाहते हैं यहाँ सिर्फ 5 तक आए, तो 5 लिख दीजिए और एंटर कर दीजिए, देखिए 5 तक ही आ रहा है, ठीक है। अगर आप 10 तक चाहते हो तो यहाँ जाकर के 10 कर दीजिए, यहाँ पे क्या करिए, मान लीजिए 9 तक चाहते हो तो 9 कर दीजिए, तो ये देखिए 9 तक आ रहा है सीरियल नंबर, आ रहा है SR1 SR2 SR3 ऐसा करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है।